नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम चैप्टर मीट्रिक स्पेस के अंदर क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट पढ़ेंगे। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स टी, देन ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर कंटेन्ड इन ए। ठीक है ना, ए पॉइंट ए सेट का क्या होगा इंटीरियर पॉइंट, अगर ए किसी ओपन स्फीयर का सेंटर हो जाए और ओपन स्फीयर किसके अंदर कंटेन हो और इक्वल टू आ जाए ए के अंदर। ठीक है ना, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस आर ए कंटेन इक्वल टू ए। मीन्स एस आर ए क्या है, ए के ऊपर ए सेंटर है और आर क्या है इसका रेडियस। ठीक है ना, तो क्या है एस आर ए इज द ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ए विद रेडियस आर ग्रेटर देन जीरो कंटेन इक्वल टू ए। ठीक है ना, अगर इस तरह की कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए और ए तो इसके अंदर है ही, ए बिलोंग्स टू एस आर ए और कंटेन इक्वल टू ए। ठीक है ना, तो ए इज द सेट टू बी नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, अगर पॉइंट के ऊपर बात करनी तो क्या बोलेंगे, ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर ऐसे जाना हो तो ए इज द क्या लिखेंगे, इंटीरियर। क्या लिखेंगे, इंटीरियर। अगर वापस जाना हो तो क्या लिखेंगे, ए इज एन बी डी नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। ठीक है ना, तो ए सेट को पहले बोलेंगे तो ए इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ ए। अगर ए को पहले बोलेंगे समाल ए को पॉइंट को, तो ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे सेट ले लिया, जैसे एक्स तो क्या ले लिया हमने आर, और एक ए सेट क्या ले लिया, मान लिया हमने ओपन इंटरवल ले लिया माइनस थ्री टू थ्री, और वन पॉइंट ले लेते हैं, वन कोई भी ले लें, वन बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ए। तो वन इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। वन क्या है इसका, इंटीरियर पॉइंट। क्यों, अगर मैं वन को कंटेन करने वाली एस थ्री बाई टू और इन टू में, यानी कि वन को सेंटर मान के थ्री बाई टू रेडियस की ओपन स्फीयर बनाएंगे तो किसके अंदर कंटेन आएगी, माइनस थ्री टू थ्री। ये कैसे है, मैंने कल बताया था, ये क्या है आर, ये क्या है थ्री बाई टू, तो क्या है आर, और ये क्या है एस आर ए। क्या होता था बताओ, एस आर ए के अंदर कौन से पॉइंट आते थे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कहाँ एक्स ए माइनस ए लेस देन ए आर। ठीक है ना, ये हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स इजल टू आर ए, आर क्या है, आर क्या है, आर इज यूजुअल मीट्रिक स्पेस। ठीक है ना, डिफाइंड बाय डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से क्या ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आया था बच्चों बताओ, तो ये आर की वैल्यू क्या आई थी, माइनस आर, और एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू, यानी अगर इक्वल टू नहीं है यहाँ पर क्योंकि ओपन की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया आर, ए जोड़ दो दोनों तरफ, तो ए माइनस आर लेस देन एक्स, तो एक्स क्या आ गया था बच्चों, ए माइनस आर और ए प्लस ए आर। ठीक है ना, हमने ये बनाया था ओपन स्फीयर। ठीक है ना, तो यहाँ से आर क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू थ्री बाई टू, तो ऐसे थ्री बाई टू वन क्या होगा, माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू यानी सॉरी ए माइनस आर, ए माइनस ए का है वन, वन माइनस में थ्री बाई टू और वन प्लस में थ्री बाई टू। ठीक है ना, वन माइनस थ्री बाई टू, तो क्या आ गया यहाँ से बताओ, ये क्या आ गया माइनस वन बाई टू, और ये कितना आ गया फाइव बाई टू। तो देखो ये ओपन स्फीयर आ गई, क्या ये माइनस थ्री और थ्री के इंटरवल में नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब वन क्या आ गया, इसका इंटीरियर पॉइंट आ गया, किसका, वन इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ माइनस थ्री टू थ्री। ठीक है ना, और बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, देखो एक क्वेश्चन में एग्जांपल ही उठाता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, भाई ए पॉइंट ए का नेबर, ए पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, अब ए को सेंटर मान के, ए को सेंटर मान के आर रेडियस की ओपन स्फीयर क्या बना दें, हमें ये बना दें, और ये किसके अंदर कंटेंट हो, ए के अंदर। वो डिपेंड करता है अभी मीट्रिक स्पेस कैसा है, अगर मीट्रिक स्पेस यूजुअल मीट्रिक स्पेस
रियल नंबर ले रखा है तो इसके अंदर क्या बनेंगे, इंटरवल्स, क्या बनेंगे, इंटरवल्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखा है तो उसके अंदर क्या बनेंगे, सर्कल बनेंगे, ठीक है ना। या डिपेंड करता है अभी मीट्रिक स्पेस किस टाइप का दे रखा है, ठीक है ना। तो हम मैंने ये जो एग्जांपल दिए हैं ये मीट्रिक स्पेस किसके दिए हैं, यूजुअल मीट्रिक स्पेस के, ठीक है ना। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, देखेंगे। देखो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ भाई, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखो। तो हमने पढ़ाना है अभी, लेट आर डी, आर डी बी क्या है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो हमने बताना है भाई वन के बारे में बताना है, वन इज, ठीक है ना, वन इज इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ आर, मतलब क्या करना है, टेस्ट वेदर, यहां लिखेंगे टेस्ट वेदर वन, ठीक है ना। वन क्या है इसका, इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है जो गिवन सेट दे रखे हैं, ठीक है। डेफिनेट पूरी नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि टाइम बड़ा वेस्ट होता है। वन ले लिया जीरो से टू, और टू ले लिया हमने वन और टू, और थर्ड ले लिया मैंने बच्चों, क्या ले लिया, जीरो से टू और माइनस वन बाई टू, और फोर ले लिया मैंने पूरा रियल नंबर, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब एस, एस क्या है यहाँ पर, यानी ए सेट क्या है मेरे पास है, जीरो और टू। अब मुझे पता लगाना है वन इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, तो क्या लिखेंगे, वन इज द, वन इज द इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ वन इज द सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर कंटेंड और इक्वल टू टू, तो क्या लिखेंगे, वन इज द सेंटर ऑफ, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर एस आर वन, आर क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन जीरो, सच दैट क्या, एस आर वन कंटेंट इक्वल टू ए, ए का मतलब है जीरो से टू। तो हम आर की वैल्यू अपने पास से ऐसी फिक्स वैल्यू लेता हूँ, जैसे मान ले लिया मैंने आर की वैल्यू क्या ले ली बच्चों यहाँ पर, वन बाई टू। तो वन बाई टू का फार्मूला भी दो मिनट पहले बताया था, क्या डी एक्स वाई, इसको याद रट लो, डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई का मोड। तो क्या था, डी एक्स ए, डी एक्स ए क्या बताया था, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स माइनस ए का मोड लेस देन आर। तो यहाँ क्या आ गया था बताओ, ए माइनस आर लेस देन एक्स ए प्लस आर, तो एक्स कहाँ से आ गया बच्चों, ए माइनस आर और ए प्लस आर के इंटरवल में। तो ए क्या है यहाँ पर बताओ, ए क्या है यहाँ पर, वन, तो यहाँ लेंगे वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू, आर की वैल्यू क्या ले ली मैंने, यहाँ से ले लेते हैं एस वन बाई टू और वन, तो यह ले लिया मैंने, क्या आएगा बताओ, ये वन क्या है, सेंटर, वन में से क्या कटाएंगे आर, यानी कि ए माइनस आर, यानी कि वन माइनस में वन बाई टू, ठीक है ना, वन माइनस में वन बाई टू, और क्या करेंगे, वन प्लस में वन बाई टू, तो क्या आएगा बच्चों, ये वैसे वन बाई टू और थ्री बाई टू, क्या ये जीरो से टू के बीच में नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना, जीरो और टू के बीच में है, तो इसका मतलब वन इस सेट का क्या आ गया, इंटीरियर पॉइंट आ गया, इंटीरियर पॉइंट आ गया। इसी तरह से आप एस वन बाई थ्री भी ले सकते हो, एस वन बाई फोर वन भी ले, कितनी भी बना लो, बहुत सारी आ जाएंगे, देर आर इनफाइनेटली मैनी, वन बाई फाइव ले लो, वन बाई सिक्स ले लो, वन बाई सेवन ले लो, वन बाई एट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, वो ले लो सारे ही सारे, ठीक है ना, हाँ समझ में आएगी बात। ओके, अब देखो अगला क्या आएगा, वन वन और टू, वन और टू के अंदर क्या बनाएंगे हमें, अब भाई वन इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए वन इज द सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर एस आर वन, आर ग्रेटर देन जीरो, सच दैट एस आर वन कंटेंट इक्वल टू ए। अब ए की जगह क्या ले लेते हैं बच्चों, वन और टू। अब देखो, अब आर को वन को सेंटर मान गए, आर ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो क्या आएगी, इस वन और टू के इंटरवल में नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं वन को कितना भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ले लूं, कितना भी
छोटा नंबर ले लो, अगर वन माइनस में एप्सिलॉन और वन प्लस एप्सिलॉन करूँगा, ठीक है ना, तो अपन क्या या ये इसके अंदर कभी भी कंटेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन माइनस में एप्सिलॉन वन, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो नहीं है। अगर एप्सिलॉन जीरो रख दिया तो फिर तो क्या हो जाएगा, ये तो सिंगलटन पॉइंट हो जाएगा। सिंगलटन पॉइंट नहीं लेना हमने, ओपन स्फीयर लेना, ठीक है ना। तो वन माइनस में एप्सिलॉन, अगर वन माइनस एप्सिलॉन कर दिया तो वन से बाहर निकल गया, यानी कि एक से छोटे पॉइंट आ गए। एक से छोटे पॉइंट को कंटेन करने वाली कोई भी ओपन स्फीयर इसके अंदर नहीं आएगी, यानी कि इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं आएगी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देर इज नो ओपन बॉल, देर इज नो ओपन बॉल, ठीक है ना, एस आर वन सच दैट एस आर वन कंटेंट इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी एप्सिलॉन, कोई भी आप कितना भी छोटा रेडियस ले लो, वन से तो छोटा आएगा ही आएगा वैल्यू। ओपन स्फीयर के अंदर क्या आएगा, वन में से कुछ ना कुछ घटेगा, वन में से, जैसे वहाँ पता है ना ए माइनस आर ए प्लस आर, तो यहाँ पे क्या है, वन माइनस में आर कुछ भी घटा लो और वन प्लस ए आर, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ये तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि वन में से कुछ ना कुछ घट गया, वन में से कुछ ना कुछ घट गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके अंदर कंटेन नहीं होगा, ये क्या रहेगा, इसके बाहर रहेगा, इसका मतलब वन जो है इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। वन इसका भी इंटीरियर पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर वन बाई टू नहीं है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो क्या दिखाने हैं कि ऐसे ओपन स्पेयर दिखाने हैं, जैसे ले लो ऐसे वन बाई टू और वन, अभी भी करा था क्या, कौन सा क्वेश्चन, देखो ये वन माइनस में वन बाई टू और वन प्लस में वन बाई टू, कोई बात नहीं, तो वन बाई टू, ठीक है, वन बाई टू, वन बाई टू और थ्री बाई टू ओपन है, वन बाई टू इसके अंदर नहीं है, कोई बात नहीं, इसके अंदर भी नहीं है तो इसके अंदर भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप ये ओपन स्फीयर इसके अंदर आप कंटेंट दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वन क्या है, इसका भी इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है ना। और रियल नंबर में तो क्या है, रियल नंबर तो पूरी रियल लाइन आएगी, पूरी की पूरी रियल लाइन आएगी, तो इसमें तो कितना भी कैसा भी इंटरवल वन बना लो, ठीक है ना, ऐसे आर वन किसी भी का, ठीक है ना, वो तो सारी की सारी ओपन स्फीयर आर के अंदर आ ही जाएंगे। तो रियल नंबर का भी वन क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है, और रियल नंबर का तो हरे एवरी रियल नंबर इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर, हर एक रियल नंबर क्या है, आर का इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है ना। किसी भी रियल नंबर की ओपन स्फीयर बना लो, वो रियल नंबर के अंदर आएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो एक छोटी थ्योरम है वो पढ़ लेते हैं, फिर इंटीरियर पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो तो बच्चों, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, इफ देर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच दैट पी बिलोंग्स टू एस आर एक्स कंटेन इक्वल टू ए, देन ए इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ पी। देखो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर भाई एक ऐसी ओपन बॉल है, एक्स तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, लेकिन एक्स सेंटर है यहाँ पर, आर क्या है रेडियस, और पी पॉइंट इस ओपन स्फीयर के अंदर है, और ये ओपन स्फीयर किसके अंदर है, ए के अंदर कंटेंट है। कहने का मतलब क्या है, अभी एस आर एक्स के अंदर जो जो पॉइंट हैं, एस आर एक्स के अंदर जो जो इस एस आर एक्स ओपन स्फीयर के अंदर जो जो पॉइंट हैं पी टाइप के, ठीक है ना, और वो पूरी एस आर एक्स किसके अंदर आ रही है, ए के अंदर कंटेंट है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, अभी वो सारे पी पॉइंट यानी कि क्या होंगे, इसके ए के इंटीरियर पॉइंट होंगे, ए के क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट कह लो, या ए इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इस एस आर एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, इस एस आर एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट हैं पी टाइप के, ठीक है ना, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अगर एस आर एक्स किसके अंदर है, ए के अंदर कंटेंट और इक्वल टू है, तो इस एस आर एक्स के जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है ना, पी टाइप के, वो पी टाइप के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए के इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, और या कह लो ए इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ पी हो जाएगा, ठीक है। देखो तो देखो बच्चों, प्रूफ देखते हैं, लेट
मान लिया लेट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच दैट पी बिलोंग्स टू एस आर एक्स कंटेन इक्वल टू ए, गिवन कंडीशन लेके चलते हैं। तो मुझे क्या दिखाना है, पी को इंटीरियर पॉइंट दिखाना। तो पी को इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे, पी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, वी शैल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट पी, यानी कि पी को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर लेके आएंगे जो ए के अंदर क्या दिखा देंगे उसको कंटेन और इक्वल टू, ठीक है ना। ओके तो देखो क्या करेंगे, लेट ले लिया भाई x बिलोंग्स टू एस आर नहीं सॉरी p बिलोंग्स टू एस आर x, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों भाई, इसका मतलब क्या है भाई, x को सेंटर मान के, ठीक है ना, और r रेडियस के ओपन स्फीयर है, p को ही इसका है अंदर पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब p की और x की डिस्टेंस क्या रहेगी, डी एक्स पी लेस देन क्या रहेगा, r रहेगा। अगर ये बाउंड्री पे होता, ठीक है ना, बाउंड्री ऑफ लेना ही नहीं है क्योंकि ओपन स्फीयर है, ठीक है ना। ओके डी एक्स पी क्या आ गया, लेस देन इक्वल आ, ठीक है। ओके कंसीडर क्या लेंगे, कंसीडर आर वन इज इक्वल टू आर माइनस डी एक्स पी, क्यों, क्योंकि डी एक्स पी जो आर से छोटा है तो आर में से मैं आर से छोटी वैल्यू घटाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ से क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है ना। तो क्या दिखाएंगे, वी क्लेम दैट, वी क्लेम दैट भाई एस आर वन पी, एस आर वन पी किसके अंदर दिखा दूं मैं, एस आर एक्स के अंदर, और ये तो ए के अंदर है ही, तो एस आर पी को सेंटर मान के आर वन रेडियस के ओपन स्फीयर में ए के अंदर दिखा दूंगा तो पी क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट आ जाएगा। तो मैं ये क्लेम करता हूँ अगर भाई ये एस आर वन पी कंटेन इक्वल टू एस आर एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लूँगा, एक आर्बिट्रेरी कोई भी एक पॉइंट, तो मैं उस पॉइंट को कहाँ ले जाऊँगा, एस आर एक्स के अंदर, क्योंकि पॉइंट आर्बिट्रेरी होगा इसके लिए इस, तो इसका मतलब इसका कोई भी एक पॉइंट इसके अंदर आ गया तो इसका मतलब पूरी की पूरी ओपन स्फीयर किसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। ओके तो लेट वाई बिलोंग्स टू एस आर वन पी, इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से दिस इम्प्लाइज फिर वही काम, वाई अब पी को सेंटर मान के अगर ओपन स्फीयर है और वो, ठीक है ना, ऐसे पी को सेंटर मान के अगर कोई भी आर वन रेडियस की मैं ओपन स्फीयर लेता हूँ और वाई कोई पॉइंट है तो पी का और आर का डी पी वाई लेस देन क्या आएगा, आर वन आएगा, टी पी वाई लेस देन क्या आएगा, आर वन आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी पी वाई लेस देन यहाँ से आर वन की वैल्यू पुट कर दो, आर माइनस डी एक्स पी, इसको इधर ले आओ, तो डी एक्स डी एक्स पी प्लस डी पी वाई क्या आ गया, लेस देन आर, लेस देन आर आ गया। और ये फर्दर किससे लेस देन है, देखो क्योंकि डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी एक्स पी प्लस में डी पी वाई, तो ये देखो यहाँ से यही है डी एक्स पी प्लस डी पी वाई, तो इसका मतलब ये क्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ से डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स पी प्लस डी पी वाई और लेस देन क्या आ गया, आर। तो यहाँ से क्या बात निकल के आएगी बच्चों मेरे पास, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स पी प्लस डी एक्स पी वाई लेस देन आर। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से डी एक्स वाई लेस देन आर, इसका मतलब क्या आ गया, अगर भाई वाई, ठीक है ना, इसका मतलब एक्स और वाई की डिस्टेंस क्या है, लेस देन आर है, तो इसका मतलब वाई वाई कहाँ पर आ गया, एक्स को सेंटर मान के ऐसे आर, ठीक है ना, एस आर एक्स के अंदर, एस आर एक्स, क्योंकि आर क्या है यहाँ पर रेडियस है, समझ में आएगी बात बच्चों ये, तो इसका मतलब ये ऐसे आ गया, एक्स सेंटर हो गया और ये आर रेडियस हो गया, आर वाई क्या हो गया, तो एक्स और वाई की डिस्टेंस क्या है, लेस देन आर है, तो इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू एस आर एक्स। अब देखो अब वाई लिया कहाँ से साहब बच्चों, एस आर वन पी से, आ कहाँ गया, एस आर एक्स के अंदर, वाई क्या है कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका मतलब पूरी की पूरी ओपन स्फीयर किसके अंदर आ गई, एस आर वन पी किसके अंदर आ गई, एस आर एक्स के अंदर, और ये किसके अंदर आ गया, ये तो ए के अंदर दे रखा है, इसका मतलब एस आर वन पी, एस आर वन पी कंटेन इक्वल टू ए, इसका मतलब पी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए या ए इज ए नेबरहुड पॉइंट ऑफ पी आ गया, ठीक है ना। ओके समझ में आ गई बात बच्चों, आई होप आपकी थ्योरम समझ में आ गई होगी, थैंक यू।